तो फाइनली दोस्तों ओला कंपनी की नींद उड़ाने के लिए अब सिंपल एनर्जी कंपनी की तरफ से एक काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई है। जो लोग सिंपल एनर्जी कंपनी को नहीं जानते उनको मैं पहले बता देना चाहता हूं कि ये कंपनी एक बेंगलुरु बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी है जिन्होंने अपना सिंपल वन नाम का इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया हुआ है। बट इस स्कूटर की अभी तक डिलीवरी नहीं की गई है यानी कि ये अभी प्रोडक्शन फेज में ही है। तो सिंपल एनर्जी कंपनी की तरफ से एक अनाउंसमेंट की गई है जिसमें कि वो दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने की तैयारी कर रही है। मीडिया लीक्स के अकॉर्डिंग सिंपल एनर्जी ने तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ में एमओयू साइन किया हुआ है। तो इस एमओयू में कंपनी ने 2500 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है। इस इन्वेस्टमेंट से कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने जा रही है जिसका पहला फेज नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होने वाला है। वहीं कंपनी का दावा है कि होशोर सुलुगिरी में बन रहा है यह प्लांट पहले फेज तैयार होने के बाद में हर साल 10 लाख यूनिट बनाएगा। इसके बाद में कंपनी दूसरे फेज में काम शुरू करेगी जिसके लिए पहले 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया जाएगा। दूसरे फेज में कंपनी धर्मपुरी में अलग प्लांट बनाएगी जो कि 600 एकड़ में बनेगा। वैसे दोस्तों इससे पहले ओला कंपनी ने भी सबसे बड़ा ईवी टू व्हीलर प्लांट बनाने का दावा किया था जिसको कि ओला फ्यूचर फैक्ट्री बोलता है। ओला कंपनी का टारगेट इस प्लांट से हर साल 1 करोड़ यूनिट बनाने का है। वहीं ओला कंपनी के बारे में तो आप लोग जानते ही है, इन्होंने अपने 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च किया हुआ है जिसकी डिलीवरी इस महीने से स्टार्ट कर दी जाएगी। तो यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को काफी अच्छी टक्कर मिलेगी सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर से। सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंगल चार्ज में 236 किलोमीटर की रेंज निकालकर देगा जिसकी मैक्सिमम स्पीड 105 किलोमीटर पर आवर की है। वहीं इसमें हमें डिटेचेबल बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि एक अच्छा एडवांटेज है इस स्कूटर के लिए। बाकी सिंपल एनर्जी का ये स्कूटर कब तक हमें देखने को मिलेगा, इसकी टेस्ट ड्राइव कब से स्टार्ट होगी, इसमें डिलीवरी वगैरह कब तक देखने को मिलेगी, इसके बारे में अभी कोई भी न्यूज नहीं है। वैसे जैसे ही इसकी कोई भी न्यूज सामने आती है तो मैं आप लोगों के साथ में जरूर शेयर कर दूंगा। इसलिए आप हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि वीडियो अपलोड होती आप लोगों तक पहुंचे। बाकी इतना था आज की वीडियो में। आपका कोई भी सवाल हो, सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। मैं मिलता हूं आपसे एक और ऐसी नई वीडियो में, तब तक लिए स्टे सेफ एंड सेफ राइड।